Subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. तेरी माँ जिंदा होती ना तो अब तक तेरे हाथ पीले कर दिए होते। सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिले तो तेरा ब्याह करके मैं फारिग हो जाऊँ। तुम ये सारा दिन काम करते रहते हो, ये सब बातें सोचते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ क्या? दाद पगली, ऐसी बातें करते हैं क्या? तुम भी तब तक ये सब बातें नहीं करना जब तक राजा किसी लायक नहीं बन जाता। नमस्ते हेडमास्टर साहब, आपने मुझे याद किया, कोई खास बात है? खास ही बात है राम प्रसाद जी, अगर ये आप जैसे भले आदमी का बेटा न होता तो मैंने इसे पुलिस में दे दिया होता। क्या किया इसने? इसने चोरी की है। चोरी? बापू, बापू। खास ही बात है राम प्रसाद जी, अगर ये आप जैसे भले आदमी का बेटा न होता तो मैंने इसे पुलिस में दे दिया होता। इसने अपने साथी का पर्स चुराया, पूछिए इससे, आप खुद पूछ लीजिए। ये क्या कर लिया तुमने? बेटी, चाचा हमें छोड़ गए। बड़े बाबू ने मकान के बारे में कुछ बताया? हाँ चाचा, उन्होंने कहा विद्या हम मजबूर हैं, मकान छोड़ना पड़ेगा। अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राजू को लेकर मामा के पास बंबई चली जाऊंगी, इसकी सेवा चारा भी क्या है, वहां शायद मुझे कोई काम धाम मिल जाए। दीदी, मैं पानी पीने जाऊं? नल तो बहुत दूर है राजा। दीदी, बहुत प्यास लगी है, जल्दी आना। अच्छा। चेन खींच लेनी थी, तुम तो कूद पड़ी। अगर तुम्हारी जान को कुछ हो जाता तो क्या होता? कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं? अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दादा फोन किए देता हूँ, वहाँ का स्टेशन मास्टर बच्चे को उतार लेगा। सुनिए, मेरे भाई का कुछ पता चला? कल्याण से तुम्हारे वास्ते फोन आया होता। हाँ। गाड़ी तो आया, अपना खलासी पूरी गाड़ी तलाश किया पर उसमें तो कोई छोकरा नहीं मिला। नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? मामा, मामा! क्या बात है बेटी, किसे पूछ रही हो? अपनी मामा को, करमचंद जी को। ऊपर देखो, कहाँ चले गए? उन्हें गए तो एक महीना हो गया, रिटायर हो गए। रिटायर हो गए, कैसे चले गए? हाँ बेटी, पता नहीं अपने गांव गए या अपने बड़े लड़के के पास कलकत्ता गए। हाँ भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या बात है बेटी, बड़ी परेशान हो? आओ हमारे घर चलो। हाँ बेटी आओ ना, आओ। कल से इन्हीं लोगों के साथ तुझे भीख मांगने जाना होगा। भीख? बहुत खूब, साले ऐसे बोलता जैसे जानता नहीं कि भीख क्या होती है। अपन का चूड़ा लगाता है, कहता है भीख। मैं भीख नहीं मांगूंगा। हरा उल्लू का पट्टा, तेरा सारा खानदान भीख मांगेगा, समझा? भीख। अगर कहीं मुझे काम मिल जाता तो अच्छा रहता। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ लेकिन घर का सारा काम आता है। हाँ ये तो हो सकता है। चंदा भाई। हाँ बोल, क्या है? अरे एक दिन तूने कहा था ना एक सेठ के घर में नौकरानी की जरूरत है। हाँ बहुत दिन पहले कहा था। अरे जरा पता कर ना, अपनी लड़की बेचारी का भला हो जाएगा। आप नमस्ते, नमस्ते। आपका काम करके आई हूँ साहब। आपने कहा था ना माँ जी की देखभाल के लिए और घर के काम काज के लिए एक लड़की चाहिए, इसे लाई हूँ। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्या। यहाँ काम ही क्या है? हम कुल 300 हैं, दो हम और एक हमारा बेटा। बस हमारे बेटे की एक जरूरत का ख्याल रखना, वो हमेशा गर्म खाना पसंद करता है। जी माँ जी। बस इतना है, कभी कभी रात को देर से, कभी कभी नहीं रोज देर से आता है। तो
तुम कौन हो? मैं ईश्वर की नई नौकरानी हूँ। इतनी खूबसूरत। आज तो तूने कमाल कर दिया राजा, माला माल कर दिया। मंगू चाचा। जा यार, आज तो तेरा दिन है, जा ऐश कर। मंगू चाचा, मैं चला। मैं कहता था ना मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं चला। रुक रुक राजा। प्रसाद भी ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। सीमा कपूर, वकील की बीवी। बहुत हराम की कमाई है। ये माँ जी के पर्दे मुझे दे दो। अबे हट माँ जी के बच्चे। तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे छोड़। माजी, क्या हुआ? माजी, आपका पर्स है? हाँ, लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला? वो गुंडा। उस मवाली ने बहुत मारा तुझे। अपने को मारना आसान नहीं है साहब। फुटपाथ पर सोता है, सड़क पर काम करता है, तब तो मारपीट चलती ही रहती है, कोई नई बात नहीं है। तुम ये गाड़ियाँ साफ करते हो, तुम्हारा पढ़ने को जी नहीं चाहता? पढ़ने को तो बहुत जी चाहता है, लेकिन अपने को पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है? अगर हम तुम्हें यहाँ रखें, पढ़ाए लिखाए, यहाँ रहोगे? हमको यहाँ पर रखकर पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा आपको साहब? जो हमको मिलेगा तुम नहीं समझोगे, तुम हमारे पास रहना। अच्छा, अच्छी बात है। दिन भर अपना काम करके यहाँ पर आके सो जाऊंगा। वहाँ पर सोने की बहुत तकलीफ है साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा छोटे सरकार, आपके लिए कितनी चीनी डालो? कहाँ भागती हो? चल। जैसे भी उसकी जान बचा लीजिए, खर्चे की परवाह मत कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज डॉक्टर, सेव हर। ये विद्या कहाँ चली गई? सारा घर खुला पड़ा है। मामी, जब मैं आया था ना, तब भी सारा घर खुला पड़ा था। ऐसे सारा घर खुला पड़ा था, कुछ खुला छोड़कर चले गए हैं। देखो ना मम्मी, कैसे लापरवाह लोग हैं। तो विद्या यहाँ नहीं आई थी? नहीं डैडी। ये क्या? क्या कांच की चूड़ी? क्या कर रहे हो? बराबरी का लड़का है। अब जलन औलाद को बराबरी का हक नहीं होता। देखो कमरे की हालत। गलती मेरी थी इंस्पेक्टर साहब। यानी गाड़ी चलाने वाले का कोई कसूर नहीं था? जी नहीं, गाड़ी से नहीं टकराई थी, गाड़ी मुझसे नहीं। आज जो है इतने ईमानदार चोट खाने वाले कहाँ मिलते हैं, जो अपनी गलती पर औरों को बख्शते हैं। आपने तो उन साहब को एकदम बचा दिया। थैंक यू वेरी मच। विद्या जी की आंख का रेटिना डिटैच हो चुका है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? अगर विद्या को उसकी आंखें वापस न मिली तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज, कुछ भी करके विद्या की आंखें वापस ला दीजिए। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? फिलहाल तो नहीं, 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा ऑपरेशन हो सकता है। शायद उस वक्त रोशनी वापस आ जाए। शायद नहीं डॉक्टर, यकीनन कहो, यकीनन। मैं पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब। यस। विद्या कहाँ है? वो आपके साथ नहीं गई? नहीं, मैं तो समझा था आप उसे ले गए होंगे, क्योंकि जब मैं सुबह ड्यूटी पे आया था तो तब भी यहाँ नहीं थी। भैया, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें जरूर खबर करती भैया। लेकिन तुम यहाँ रहो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा।
मेरी नसीब में जो जो लिखा है उसे तुम कहाँ तक कब तक बर्दाश्त करोगे? मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती। कैसा बोझ? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक अंधी जिंदगी का बोझ। तुम्हें मेरी कसम भैया, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा विद्या, लेकिन जब तक तुम्हें इस अंधेरे से निकाल नहीं लूंगा चैन नहीं पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। हुआ क्या है? एक हादसा हुआ था। हादसा? हाँ, कुछ दिन पहले तुम्हारे घर के सामने एक लड़की मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मेरे घर के सामने? हाँ, पानी की तरह पैसा बहाया लेकिन उस बेचारे की आंखें न वापस ला सका, वो अंधी हो गई। अंधी हो गई? ना मालूम है उसका। विद्या, मैं बहुत चाहा कि वो मेरे पास रहे, पर वो इतनी खुददार है कि वो भी मंजूर नहीं करती है। समझ में नहीं आता कैसे शांति मिलेगी मुझे। विद्या, तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे? कौन? मालूम नहीं। आप? कौन मिल आया है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन? मैं। बाबूजी? बाबूजी नहीं विद्या, एक पापी जलील। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? विद्या, विद्या मेरे गुनाहों की तुम जो सजा दोगी उसे मैं सर झुकाकर मंजूर कर लूंगा। बाबूजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बदल सकते हो। आप पूरी तरह बदल पाए, इसमें अगर सजा ही मदद कर सकती है तो मैं आपको सजा दूंगी। ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा विद्या। तो जाइए बाबूजी, मैंने आपको माफ किया। विद्या? हाँ, आपके लिए ही सजा है। किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी सुधार लीजिए। ये क्या हो रहा है? इस शराब ने मुझे शैतान से हैवान बना दिया। मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। मैं तुम दोनों की कसम खाता हूं, अगर मैंने इसे पिया तो मैं समझूंगा मैं तुम दोनों का खून पी रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। जीते रहो बेटा। आ गए बुआ? हाँ, सदा सुहागन रहो बेटी। अभी अभी दो बच्चे बाहर गए हैं, एक तो भीकम का है, ये दूसरा किसका है? अपने घर का ही समझिए। हाँ, मैं तो 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा गई थी, ये 8 साल का पला पलाया बच्चा घर में कैसे आ गया? अवतार लिया है क्या? हाँ जी। कहीं से उठा लाई होगी, मुझे पहले ही मालूम था एक ना एक दिन बहू यही करने वाली है। मेरे जाते ही उठा लाई कहीं से जात को जात का। डॉक्टर, when will you operate? After 3 months when I return from Madras. Thank you, doctor. Thank you. Vidya? हाँ? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। सच भैया, सच? हाँ। वो 3 महीने के लिए मद्रास जा रहे हैं, लौटते ही तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। बस फिर उसके बाद जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। विद्या, आज तुमसे एक जरूरी बात करने चला आया। हाँ विद्या, एक दिन तुमने कहा था ना मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूं, अपनी जिंदगी सुधार लूं। जी। तो विद्या, तुम ही सुधार दो ना मेरी जिंदगी। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। विद्या, आप मुझसे शादी करके अपने माँ बाप को क्यों सजा देना चाहते हैं? प्यार बहुत बड़ी सौगात है बाबूजी, अंधा प्यार बहुत बड़ी अमानत होती है, लेकिन एक अंधी लड़की के साथ जिंदगी निभाना आसान नहीं। मैं निभा के दिखाऊंगा, मुझे एक मौका तो दो। मैं आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूं बाबूजी? मैं शादी नहीं करूंगी बाबूजी, कभी नहीं करूंगी। दादी, वो दादी मैं खेलने के लिए ले जाऊं? खेलने के लिए? अरे असली सोने की है 25 तोले की, खेलने के लिए ले जाओ। चल हट यहाँ से, हट। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। मेरी बेटी,
मेरी मुन्नी, ये क्या कर लिया तूने? मामा, मामा आप कहाँ चले गए थे? मामा इतने दिन आप कहाँ थे? मैं तो आज ही कलकत्ते से आया हूँ बेटी, अपनी पेंशन लेनी। गंगू बाई ने सब हाल बताया तो मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया। बापू हमें छोड़ के चले गए। हाँ, हाँ, मैं छोड़ के चले गए और मुन्ना मुन्ना यहाँ के खो गया। मामा विद्या, हाँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारा भाई खो गया? क्या नाम है तुम्हारे भाई का? राजा। राजा कितना बड़ा है वो? 8 साल का। 8 साल का? हाँ। और उसने खाकी पैंट और सफेद कमीज पहनी थी? हाँ, आपको कैसे मालूम? विद्या चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला दूं। राजा से? हाँ। सच? हाँ। कहाँ है वो? चलो चलो। राजू, और राजू देखो तुम्हारी दीदी आई है। राजा को बुआ ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या? अरे तौबा करो बहू, क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? वो खुद 25 सोने की मूर्ति चुरा कर भाग गया। नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ना जाने कहाँ से उठा कर ले आए चोरों चक्के को। सुनी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। राजू जरूर कहीं पड़ोस में छुपा होगा, मैं उसे भी लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये मूर्ति तूने चुराई है? ला मुझे दे दे। अच्छी है। बहुत अच्छी। ये सोने की मूर्ति मेरी है, मुझे दे दो। राजा भेड़े चाहे गाड़ी की सफाई करवाते हैं। क्या ये तो मुझे बुआ की है। बुआ का बच्चा हमसे रखता है, तोड़ कर टांगे साले की। वकील बाबू, चाची जी चोर है ये, इस जैसा नालायक बेटा पैदा करने के लिए मेरे सर पर 100 जूते मारिए और एक गिनिए। कान जी। हाँ जी। विद्या मैं जा रहा हूँ। एक अंधी से शादी करेंगे। कंग्रेचुलेशन, The operation was successful. इसका मतलब है विद्या फिर से देख सकेगी। Sure. Why not? Thank you, doctor. Thank you. Doctor. Thank you. Thank you so much. ए लड़की प्यार